बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और सभी लोगों को मेरा पहला प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और आपके लिए भी लेके आए न्यू ब्लॉग, न्यू ब्लॉग शुरू कर रही हूँ दिन से। और तो दोस्तों आज मैं काफ़ी महीनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा मुझे अजीब सभी लग रहा है। तो आज मैं चलते फिरते ब्लॉग बना रही हूँ, आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। और तो और दिन तो मैं रोज़ घर में रहती तो नहीं बना पाती थी, आज मैं जा रही घूमने तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ब्लॉग बना लूँ। तो दोस्तों आज जा रहे हैं मुंबई और जा रहे हैं तो मुंबई तो है मैं और मेरे पति और रीता है, ये देख सकते हो आप चला रहे हैं। और अभी आ रहे हैं गोपाल और पूजा और मानसी और छोटा सा बाबू हमारा, और हल्द्वानी से हमें मेरी ननद भी है और उनके बच्चे भी हैं मेरे भांजी लोग। तो फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं और जब हम जाएंगे आपको वहाँ मैं सब दिखाऊंगी वहाँ का नज़ारा कैसा है। और ये देखो काफ़ी मज़ा आ रहा है और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। हल्द्वानी और जिस जगह जा रहे हैं अभी वहाँ नहीं पहुँचे हम, वहाँ अभी पहुँचने में हमको लग जाएंगे 10 मिनट करीब। ये देखो तो गाइस हम पहुँच गए हल्द्वानी और हम अभी गेट पे और अब हम जा रहे हैं अभी अंदर को। ये देख सकते हो आप नुमाइश का नज़ारा, अभी हम लोग लेंगे टिकट अंदर जाने का, तभी एंट्री होगी हम लोग की, वरना अंदर नहीं घुसने देंगे। तो भाई हमने टिकट लेके हम चले गए हैं अंदर, ये देखो काफ़ी भीड़ हो रही थी यहाँ पे। ये देख सकते हो आप बच्चों के कितने प्यारे प्यारे खिलौने आ रखे हैं। हमने बच्चों के लिए खिलौने अभी पहले थोड़ी देर घूम लेते फिर उसके बाद लेंगे खिलौने झूले का। ये देख सकते हो ये छोटे झूले भी लगे हैं, बड़े भी लगे हैं, छोटे बच्चों के भी लगे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं झूले पे। और ये देखो खिलौना और किचन सेट ले रखा है खाना बनाने वाला, बच्चों का फेवरेट होता है खिलौना और कुछ हो ना हो। ये देख सकते हो और खुश हो गए बच्चे।
और मैंने भी ले रखा छोटा मोटा सामान, ये देख सकते हो आप। मेरा भांजा ले रहा है यहाँ पे घड़ी, उसको क्या लू हो रही है समझ में नहीं आ रहा है, ये देख सकते हो आप, कड़ा लू या घड़ी लू हो रही है उसको।